व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। मैं आ गया हूँ आपका उत्कर्ष चौधरी एक और न्यू ब्रांड वीडियो के साथ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। होप आप सबको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है जाके तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज मैं फिर एक और रिव्यू के साथ आ गया हूँ, एक प्रोडक्ट रिव्यू के साथ आ गया हूँ, और वो है आपका एज इट इज वे कंसनट्रेट। एज इट इज मतलब जैसा है वैसा ही दे दिया आपको पैक करके। इसके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, तो वीडियो लास्ट तक देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसे हम रिव्यू करेंगे 5 पैरामीटर्स के थ्रू, जो है आपके टेस्ट, इफेक्टिवनेस, मिक्सेबिलिटी, वैल्यू ऑफ मनी एंड द लास्ट इज पैकेजिंग। तो इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँगा, जिससे आपको ओवरऑल रिव्यू पता चल जाएगा एज इट इज़ के बारे में। तो पहली बारी आती है टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट लोग बहुत प्रीफर करते हैं, कुछ पीना पीने में बेसिकली बहुत प्रीफर करते हैं। हर चीज़ में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपके एज इट इज़ के प्रोटीन्स आते हैं ये अनफ्लेवर्ड होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नो फ्लेवर, कोई फ्लेवर नहीं है। तो ये रॉ प्रोटीन है, तो भाई टेस्ट सही बताऊँ तो बहुत गंदा है, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं 10 में से रेटिंग देना चाहूँगा टेस्ट में 5 स्टार ओनली, क्योंकि टेस्ट सही में बहुत गंदा है। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं और आपको टेस्ट का भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पी जाता हूँ, तो आप बॉर्नविटा ऐड कर सकते हैं, साथ में कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं बॉर्नविटा वाला ही दूध पी रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। गाइस, अब बात आती है आपके दूसरे फैक्टर की, जो है मिक्सेबिलिटी, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप वे प्रोटीन बाय करते हैं। क्योंकि कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं जिनमें क्लोटिंग आ जाती है, लेकिन एज इट इज़ में ये कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 5-6 बार शेक करेंगे, 10 बार शेक करेंगे, मैक्सिमम प्रोटीन अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमें साइड में कोई भी क्लोटिंग देखने को मिलती नहीं है। तो अब बिग थम्स अप मिक्सेबिलिटी के मामले में मैं देना चाहूँगा 10 में से 9 स्टार इन टर्म्स ऑफ मिक्सेबिलिटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस बहुत बहुत ही ज़रूरी है, और इफेक्टिवनेस आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कि स्कूप कितने ग्राम का है और उसमें प्रोटीन की अवेलेबिलिटी कितने ग्राम है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, लेबल पढ़ के ही, इसका स्कूप है सर्विंग 1 स्कूप 30 ग्राम का है, और उसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है सीधा सीधा 24 ग्राम। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर आपको दिख जाए तो, दिख रहा है तो 1 स्कूप 30 ग्राम का है और 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा सीधा सीधा। तो दैट मीन्स आपको मिलेगा 80% प्रोटीन मिल रहा है, और वो मैं समझता हूँ एक रॉ प्रोटीन के हिसाब से काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। तो इसमें भी मैं 10 में से 8 स्टार देना चाहूँगा एज इट इज़ के कंसनट्रेट रॉ वे प्रोटीन। बारी आती है हमारे चौथे पॉइंट की, जो है हमारा वैल्यू ऑफ मनी, कि जो हम बाय कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, ये वर्थ है या नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है एक प्रोटीन अफोर्ड करना, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो ये बेसिकली जो मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, और मेरे को ये प्रोटीन पड़ा है 1 किलो का, 1000 ग्राम है, 2.2 LBS, तो ये मेरे को पड़ा था 1400-1500 के अराउंड, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्राइस है वो स्लाइटली हाई है, कुछ ज़्यादा भी हाई नहीं है कंसनट्रेट के हिसाब से। अगर 1100-1200 के आसपास कर दें पर ग्राम ऑफ प्राइस ऑफ वे प्रोटीन, तो मैं समझता हूँ तहलका मच जाएगा भाई। क्योंकि जो ये एज इट इज़ का वे प्रोटीन है, ये मेरे को एक इकलौता ऐसा ब्रांड लगता है जो हमें आगे लेके जा सकते हैं इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ वे प्रोटीन। ये कंपटीशन दे रहा है आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स को। तो मेरी यही दरख्वास्त है, अगर 1100-1200 पर केजी में मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस के मामले में मैं देना चाहूँगा 10 में से 7 स्टार एज इट इज़ के कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन को। चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका पैकेजिंग, कि भाई पैकेजिंग कैसे की हुई है। हम पहली बार देख रहे हैं कि ये प्रोटीन ऐसे आ रहा है पन्नी में, पॉलीथीन में, वरना सब डब्बे में आते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो उसका ये मटेरियल है ना, ये बहुत ही तगड़ी क्वालिटी का है, ठीक है। बहुत ध्यान दे के पैकेजिंग की गई है, और बहुत अच्छे से की गई है, तमीज़ से की गई है, क्योंकि
अगर आप इसे खरीदते हैं तो अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो आपको इजी होता है कैरी करना। अगर आपके पास डब्बा है तो वो बहुत मुश्किल होता है, वो ज़्यादा स्पेस भी लेता है। इसे का क्या है कि ऐसे है, ऐसे ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, हो गया, बैग में रखो, गुड टू गो। ठीक है, तो पैकेजिंग में मैं देना चाहूँगा 10 में से 9 स्टार। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाल कलर का बटन है तोड़ दो, और जिनको जानना है आपके दोस्तों को कि एज इट इज़ कैसा है, शेयर करें, उनको वीडियो दिखाएं, आइडिया लग जाएगा उन्हें, और डिसीज़न आपका है। मेरे लिए थम्स अप है, बहुत तगड़ा वे प्रोटीन है, इफ़ेक्ट भी अच्छा देता है, सब कुछ अच्छा मैं बता चुका हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, वहाँ पर बहुत सारी बात करेंगे, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई करूँगा मैं फॉर श्योर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सपोर्टिंग।